कर रहे हैं बच्चों, और जितने लोग 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं या 2 लाख रुपया महीना जिनकी पेमेंट है, वो सब लोग 12 घंटा नौकरी पे हैं। 24 घंटे का एक दिन 12 घंटा नौकरी में चले गए, इस थके हुए जिस्म के साथ जब नींद आएगी तो कम से कम 7 घंटा सोओगे, चलो मान लो कि 6 घंटा सो गए, तो 12 और 6 कितना हुआ बोलो भाई, 12 और 6 कितना हुआ, 18। दिन कितने घंटों का होता है, 24। 24 घंटे में से 18 घंटे गुलामी में जाते हैं, 12 घंटे नौकरी की गुलामी में, 6 घंटे नींद की गुलामी में। 24 में से 18 घंटे अगर गुलामी में गए तो 60 साल में कितने साल गुलामी में गए? इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, 18/24 इज इक्वल टू x/60 साल। अगर 24 घंटे में 18 घंटे गुलामी में गए तो 60 साल में कितने घंटे गुलामी में गए, कितने साल गुलामी में गए? तो जवाब है x = 45 years। 60 साल की जिंदगी में कितने साल गुलामी में जाएंगे, 45 साल। तो फिर आप जिए कितने साल, आप जिए कितने साल, 15 साल। जो लोग दुबई काम करने गए ना, उनकी हालत तो और भी खराब है, वो वहाँ 15 से 16 घंटा काम करते हैं। जो लोग अमेरिका गए हुए हैं वहाँ 14 से 15 घंटे काम करते हैं। मान लीजिए 60 साल में 45 साल अगर गुलामी में गए तो आप जिए 15 साल। अब चलो गूगल से पूछें, एक कुत्ते की उम्र कितनी होती है, हाउ मच इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग, एक कुत्ते की उम्र आयु कितनी होती है, गूगल जवाब देता है नस्ल कौन सी है। सबसे कमतर नस्ल कुत्ते की 10 साल जीती है और सबसे अच्छी वाली नस्ल 15 साल जीती है। अल्लाह ने बना के भेजा था अशरफुल मखलूकात, नौकरी की गुलामी करते करते कुत्ता बनकर रह गए। अल्लाह ने बना के भेजा था अपना वाइसरॉय खलीफा, फरिश्तों से कहा था सजदा करो इस आदम को। अल्लाह ने हमें बनाया क्या था, अपना गवर्नर, अच्छी नौकरी के चक्कर में 45 साल जिंदगी के कटे, 15 साल जीने में चले गए। 15 साल ये अच्छी नस्ल के कुत्ते की उम्र होती है। बन कर क्या आए थे और बन कर क्या रह गए, सारी दुनिया जीडीपी के पीछे भाग रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी कौम के साथ हमें ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन जब हम किसी एक बनती तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख पाते हैं तो हम पूरी पिक्चर को मिस कर रहे होते हैं, और हमें यह अंदाजा नहीं होता कि अगर सही डिसीजन लिए जाएं तो यह तस्वीर कितनी खुशगवार और कितनी खूबसूरत बनकर तैयार होगी। हमें ऐसा लगता है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वैसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सरासर नाइंसाफी है, लेकिन जब हम मुड़कर इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जिन परिस्थितियों और जिन वाकियातों से हम गुजर रहे हैं ऐसा हर कौम के मुकद्दर में ऐसा पहले हो चुका है। तो जिंदगी क्या है, किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, इट्स अ सिंपल हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। स्टोरी वही होती है लेकिन किरदार उसमें चेंज होते रहते हैं, कैरेक्टर्स उसमें चेंज होते रहते हैं। अगर आपको यह लगता है कि आपकी नौकरी चली गई तो आप मुड़कर देखिए, हर सेकंड दुनिया में किसी न किसी की नौकरी जा रही है, आने वाले हर सेकंड किसी न किसी की नौकरी जाएगी। आपने COVID-19 का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्पैनिश फ्लू, ब्लैक डेथ, सार्स, मर्स इनका नाम सुना है? ये ऐसी ही बीमारियां ऐसे ही बुखार थे जिनसे हिस्ट्री के पन्ने भरे हुए हैं। तो कौमों और लोगों ने खूब डटकर उसका सामना किया है। एक्सपीरियंस इसे नहीं कहते जो हमारे साथ हो रहा है, एक्सपीरियंस उसे कहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है उसके बाद हमने अपने साथ क्या किया। तो ऐसा ही एक इतिहास का, हिस्ट्री का किस्सा मैं आज आपको सुनाने यहां आया हूं। तो अंजना प्रकाश ये फॉर्मर जज हैं पटना हाईकोर्ट की,
और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है बहुत अच्छा, जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आर्टिकल का टाइटल है व्हेन फेक न्यूज वॉज यूज फॉर अटैकिंग हिंदूज। हिंदूज में DOOS है, इसका मतलब होता है एवरी साउथ एशियन, उसे हिंदू कहकर अमेरिका में बुलाया जाता था। तो जब ये इंडियंस वेस्ट कोस्ट पहुंचे, जिसमें सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, तो रेसिज्म, फियर ऑफ लेबर कॉम्पिटिशन और एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज का ये शिकार हुए। इन हिंदूज को कोई फिजिशियन उनका इलाज नहीं करना चाहता था, कोई यूनियन लीडर नहीं चाहता था कि उसके लेबर का प्रोफेशन इन्हें मिले, इन्हें किसी भी तरह का कामकाज मिले, कोई सिविल सर्वेंट इनकी नहीं सुनता था, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस रात दिन आग उगलते थे। ब्लेन रिव्यू नाम का एक अखबार है जिसने 1907 में लिखा था कि ये जो हिंदू आए हैं साउथ एशिया से, ये अपने साथ दिमाग का बुखार यानी सेरिब्रल मेनिंजाइटिस लेकर आए हैं, इसलिए इनके करीब मत जाया करो, इनसे दूर दूर रहा करो। एक मेथोडिस्ट बिशॉप थे जेम्स मिल थॉबर्न, ये आर्क बिशॉप थे, ये एक चर्च के बहुत बड़े पादरी थे, इंडिया में 30 साल रहकर गए थे। इन्होंने कभी हिंदूज के बारे में कहा था कि हिंदू इमिग्रेशन टू द कोस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेग, सेरिब्रल मेनिंजाइटिस एंड अदर डिसीजेस। ये सारी बीमारियां लेकर आने वाले ये हिंदू हैं। साउथ एशियंस से दूर रहा करो वरना तुम्हें प्लेग, जिसके जर्म्स ये अपने कपड़ों में लाए हैं, लग सकते हैं। तो आज जो भी हमारे साथ हो रहा है ऐसा इनके साथ हो चुका है। सबसे ज्यादा इसका शिकार जो हुए थे वहां पर हिंदुओं के अलावा वो सिख कम्युनिटी हुई थी। उनके लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, टर्बन की वजह से उन्हें खास निशाना बनाया जाता था और इन्हें केस करके इन्हें कोर्ट में खड़ा किया जाता था। एक आर्टिकल है उस जमाने का, पगेट साउंड अमेरिकन हैव वी अ डस्की पेरिल, यह आर्टिकल का नाम है। इसमें इन्होंने लिखा है कि हिंदू बड़े पैमाने पर अमेरिका पर हमला कर रहे हैं, हिंदूज आर इन्वेडिंग द अमेरिकन स्टेट, और वेरी अनडिजायरेबल है, उन्हें यहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब वो यहां आ रहे हैं तो सिवाय मुश्किलें और परेशानी और बीमारियों इनके अलावा वो लेकर कुछ और नहीं आते। उसके बाद उन्होंने लिखा एक और पैसिफिक मंथली मैगजीन में, मई 1907 में छपा था, कि हिंदुओं का अमेरिका में आना बांध में से थोड़े थोड़े रिश्ते पानी की तरह है, जल्द ही इसको बंद ना किया गया तो पूरा बांध ढहकर यहां बाढ़ आ जाएगी साउथ एशियन इमिग्रेशन की। ऐसा ही एक और अखबार था जिसमें द हिंदू इन्वेजन नाम से आर्टिकल लिखा था, और ये हिंदू इन्वेजन नाम से लिखे हुए आर्टिकल में फ्रेडरिक लॉकी, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा कि हमें हर तरह से यहां पर साउथ एशियंस का आना रोकना चाहिए। लेकिन वैंकूवर में, क्या आप जानते हैं, पार्टी बनाई गई थी एशियन एक्सक्लूजन लीग, जिसने अपने वोटरों से ये वादा किया था कि अगर आप हमारी मदद करें और हमारी पार्टी जीत कराएगी तो सबसे पहले हम साउथ एशियंस को यहां से निकालेंगे। और उस पार्टी के चंदे के वक्त एक टिकट बिका करता था जिसको खरीद कर लोग चंदा दिया करते थे, उस पर लिखा होता था एशियन एक्सक्लूजन लीग अपनी नस्लों, अपने बच्चों के लिए, हिंदूज का, सिख का, इनका बॉयकॉट करो। कई बार हिंदुओं के ऊपर ये हुआ कि उन्हें सिखों को कटघरे में खड़ा करके हिंदू बोलकर केस चलाया गया, और अमेरिकन्स को आइडिया नहीं था तो कुरान पर कसम खिलवाते थे, यानी सिख खड़ा है उसे हिंदू हिंदू कहा जा रहा है और कसम खिलवाते समय उसके हाथ में कुरान दी जा रही है। धीरे धीरे ये इंडॉक्ट्रिनेशन, ये नफरत इतनी बढ़ गई कि 1907 में हिंदुओं के खिलाफ पूरे वेस्ट कोस्ट में हमले हुए, दंगे हुए, उनके घरों को, उनके प्रॉपर्टीज को जलाया गया। बहुत सारे लोग वहां से वापस आए लेकिन कुछ लोग वहां डटकर खड़े रहे। पुलिस ने एक पैसे की मदद नहीं की, बड़ा मजेदार है, पुलिस ने खड़े होकर दंगे करवाए। शायद आपको ऐसा लग रहा हो ये रिपीटेशन है। ऑल अथॉरिटीज पैरालाइज्ड, एंड सबसे खास बात, जिन दंगाइयों ने यह किया था उसमें से एक को भी सजा नहीं हुई। अंजना प्रकाश यहां लिखती हैं कि शायद आपको यह पैटर्न रिपीटेड लग रहा हो, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ किया। और क्या किया, सिएटल मॉर्निंग में लिखा था अगले दिन एक बड़ी अफवाह आई, कहां हमदर्दी रखते जिनके घर जले हैं, बल्कि अफवाह यह आई कि हिंदू बड़े पैमाने पर असला और हथियार खरीद रहे हैं बदला लेने के लिए, जबकि ये फेक न्यूज अफवाह थी। लेकिन वहां के हिंदुओं ने कुछ किया, बस यहीं पर हमारी कौम के लिए भी एक बेहतरीन लेसन है। वहां के हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी, वो डट गए और उन्होंने अपने बच्चों को कागज, कलम और किताब पकड़ाई।
और उन्हें एजुकेशन की तरफ मोड़ा और वो ये समझ गए कि कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हम कितने एजुकेटेड हैं जो अब वर्ल्ड लेवल पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो आपको पता है आज क्या हुआ है? आज वेस्ट कोस्ट पर उन्हीं की नस्लों में सबसे अच्छे बच्चे अमेरिका के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और अमेरिकन मेडिकल काउंसिल में जो टॉप डॉक्टर्स की लिस्ट है उसमें 100 टॉप डॉक्टर्स वो हमारे इंडिया से हैं। इस कौम ने कलम और कागज को पकड़कर अपनी किस्मत को मोड़ दिया। सवाल अब इस कौम से है जिसके साथ यही पैटर्न किया जा रहा है, क्या अब भी हम कुछ सीखेंगे और अपने हाथ में कागज और कलम उठाएंगे? इतिहास का तो काम है किरदार बदल बदल कर वो रिपीट होता है, लेकिन हमारा भी काम है इतिहास से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बताने से पहले मैं आपसे दो दरख्वास्त करूंगा। पहले तो ये कि जब हम मीडिया देखते हैं दिन भर लॉकडाउन में, तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि सिवाय हमारी बर्बादी के इन्हें कोई और काम नहीं, लेकिन उस एनवायरमेंट को नहीं बदल सकने की वजह से हम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए उस एनवायरमेंट को जिसे आप नहीं बदल सकते, और कॉन्सेंट्रेट करिए उस एनवायरमेंट पे जो आपके इमीडिएट विसिनिटी में है जिसे आप बदल सकते हैं। अपनी पॉजिटिविटी से रोशनी फैलाइए। हर सिचुएशन में यह सोचिए कि आपका किरदार क्या कहता है, आपका मजहब क्या कहता है, और सबसे बढ़कर आपके पैगंबर होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो आज क्या कर रहे होते। बेशक वो हर निगेटिविटी का जवाब अपनी पॉजिटिविटी से दे रहे होते।